नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है यह एक इंसान और आपके जितने भी दुख हैं सारे दुखों में इन्हीं का हाथ है। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से बस निवेदन यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जय दोस्तों, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में भी आप जानेंगे और कैसे आप इन्हें अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, इन्हें सभी बातों को आप समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें अंत तक जरूर समय निकाल कर देखिएगा। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति के जीवन काल में एक न एक शकुनी मामा जरूर होता है जो कि उन्हें अपने इशारों पर नचाता है, जो कि उनके जीवन काल में दुख भी लाता है और उनके जीवन काल में वह परेशानियों को भी दर्शन दिलाता है। जी दोस्तों, और यह एक शकुनी मामा आपके भी जीवन काल में है जो कि आपके सभी अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं डालते हैं, सभी आने वाले अच्छे पलों को बर्बाद करने में इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। जी दोस्तों, और अभी तक आपको इनका भनक तक नहीं है। जी दोस्तों, अगर आप समय रहते इनसे नहीं संभले, समय रहते इन्हें अगर आप अपने जीवन काल से नहीं निकाल देंगे तो दोस्तों धीरे ही धीरे यह आपके जीवन काल को बिल्कुल ही खोखला कर देगा और आप अपने जीवन काल में बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। अपने जीवन काल में आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर जो घरों की स्थिति बन रही है इनके अनुसार आप इस व्यक्ति की कैसे पहचान कर सकते हैं, आखिर कौन से क्षेत्र में यह व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं और कैसे आप इनको अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, आखिर आपको कौन से कार्य करने होंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर इसमें आपको सावधान भी रहने होंगे, साथी घरों की बदलती चाल आपके घर के माहौल में पारियोजन में क्या क्या सुधार करेंगे, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं घर के माहौल में पारियोजन में। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखिएगा गुरु जी का और भगवान शनिदेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में वित्त स्थिति में कुछ सुधार आएगा, कुछ नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रहे गिले शिकवे भी यश में दूर होंगे। विद्यार्थियों को अपनी नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू आदि में सफलता के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इसलिए पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने वसूलों और सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता ना करें। घर में छोटी सी बात से अकारण कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, ज्यादा क्रोध करने से बचें। घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान भी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके बाद दोस्तों यश में किसी प्रकार की यात्रा को स्थगित दे रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में काम को ठीक से और वक्त पर पूरा करने पर आप जो है यश में पूरा ध्यान देंगे। कुछ बातों के बारे में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से भावनात्मक उलझन बढ़ रही है। दोस्तों यश में अपनी उलझन को कम करने के लिए मन में चल रहे सभी विचारों को जो है लिख कर उनका आकलन करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में शाम तक कोई ना कोई मार्ग आपको जरूर मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। दोस्तों व्यस्तता के बावजूद भी आप अपनी रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल पाएंगे जिससे दोस्तों आप मानसिक रूप से बहुत अधिक खुशी भी महसूस करेंगे। दोस्तों विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल होने से सुकून और खुशी मिलने वाली है। दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका इसमें रुझान रहेगा। दोस्तों किसी निकट संबंधी से छोटी छोटी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों यह समय गुस्से के बजाय सूझबूझ और शांति से आप समस्या को हल निकालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में वृक्ष प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें, यश में फिजूल खर्चे से भी आपको बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों दिन की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद होने की स्थिति भी बन रही है जिनसे दोस्तों दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। दोस्तों अभी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी क्योंकि दोस्तों गुस्से में लिया गया आपका जो निर्णय है आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पैसे से संबंधित व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं परंतु दोस्तों यह फैसले सकारात्मक परिणाम भी देंगे।
यह समय का जो गोचर है आपके लिए शुभ स्थिति में है। दोस्तों यह समय किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए रुके हुए कार्य को पूरा करने में सहायक होंगे। इसको प्राणी दोस्तों यश में दिन में जो है बहुत अधिक व्यस्तता भी रहेगी, जिसकी वजह से कभी कभी थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार ही मदद करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय लोगों द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपके मन में जो है नकारात्मक विचार और बातों की तरफ वह वहम पैदा हो सकती है। जिन लोगों से आपको सहयोग नहीं मिलता या फिर नकारात्मक महसूस होता है, दोस्तों उन लोगों से दूरियां ही बना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अभी परिस्थिति आपके पक्ष में है, आपको केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों कुछ समय से चली आ रही अस्वस्थता से यश में कुछ सुधार महसूस होगा और दोस्तों आप अपने रुके हुए कार्यों को निपटाने में भी यश में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों किसी मित्र से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप जो अपने दायित्वों को निभाने में भी काफी हद तक यश में सफल रहेंगे। साथ ही दोस्तों यश में किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित अप्रिय सूचना मिलने से मन जो है थोड़ा सा व्यथित रहेगा तथा दोस्तों यश में कोर्ट संबंधी कोई भी कार्य स्थगित रखें। किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति भी यश में बन सकती है, दोस्तों आप इनसे बचने की कोशिश करें। दोस्तों यश में विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने करियर के साथ लापरवाही ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। मन में तरह तरह की बातें आने की वजह से आपके मूड में बहुत बदलाव भी यश में हो सकता है। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण जो है बात के बारे में निर्णय न ले पाना आपको थोड़ा सा कमजोर महसूस करा सकता है। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने से आपको खुशी मिलेगी। साथ ही दोस्तों यश में सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। दोस्तों सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यों के प्रति जो है पूरी रूप से ध्यान दें और दोस्तों कोई इंक्वायरी होने की भी संभावना बन रही है। इसके बाद दोस्तों यह जो आपके लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय करियर संबंधी बातों को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों किसी भी व्यवसाय के कार्य में रुकावट आने से अपने राजनीतिक संपर्कों का सहयोग लें, दोस्तों आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन संबंधी कार्यों में भी यश में ध्यान रखें। युवाओं को भी करियर संबंधी कोई नया अवसर भी यश में प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखें। दोस्तों आपकी उपस्थिति से ही सारे कार्य संपन्न हो सकेंगे। दोस्तों काम में बदलाव संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए अनुसरण करना उचित रहेगा। दोस्तों यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के साथ जो है अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश समय व्यवसाय में अभी वर्तमान परिस्थितियों का प्रभाव बना रहेगा। अगर आपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का निवेश किया है या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यह समय बेहतर समय होगा। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को भी उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बेहतर होगा कि दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलझकर अपने काम पर ध्यान दें, इनसे दोस्तों अपने कार्य में आप गति ला सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा दोस्तों घर का वातावरण भी यश में सकारात्मक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम की अधिकता की वजह से आप जो है अपने दाम्पत्य जीवन पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों फिर भी पति पत्नी के संबंध यश में मधुर ही रहेंगे। घर के सदस्यों जो है आपकी जो है विश्वस्तता को समझेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उनमें आपका सहयोग भी करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों परिवार में प्रेमपूर्ण और खुशनुमा वातावरण रहेगा, परंतु दोस्तों प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक जनों का आपस में बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए यश में कोई उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। वही दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों अभी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। दोस्तों अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा दवाइयों जो है नियमित रूप से लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे,
पेट से संबंधित कोई दिक्कत रहेगी। अपना खान पान सीमित रखें। साथी दोस्तों, नशीले पदार्थों और गलत लोगों के संपर्क में आने से इसमें परहेज करें, क्योंकि दोस्तों इनका बुरा प्रभाव आपके सेहत पर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गले में दर्द तथा खराश की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से हल्का फुल्का बुखार भी रह सकता है। दोस्तों अपना उचित इलाज अवश्य लें।